कल कुछ हुआ था ग्राउंड पे गौती भाई और श्रीसंत में? ऐसे दोनों आपस में ऐसा हुआ है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जो ग्राउंड में हो गया बाहर नहीं होना चाहिए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ और सूरत में हूँ। लेजेंड्स लीग क्रिकेट चल रही है, हमारे साथ प्रवीण कुमार है, पीके भाई साहब। क्या स्विंग होती थी, क्या बॉलिंग होती थी, कमाल की बॉलिंग। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, और यहाँ पे खेलने आए थे अभी LLC ये T20, तो सर लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, घर परिवार भी ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा माहौल बना हुआ है। सेमीफाइनल आज जीत गए, फाइनल में पहुँच गए, सब ठीक ही हो रहा है बस। इस लीग के बारे में बताइए, कितने मज़े आ रहे हैं इसको खेलते हुए? देखो ये बहुत अच्छी लीग है, जो बहुत अच्छी पहल करी है LLC वालों ने, जो जितने भी रिटायर प्लेयर हैं उनको मौका मिल रहा है। इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग खेल रहे हैं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो सारे प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक पहल थी LLC की, T20 की LLC लीग जो हो रही है, तो बहुत अच्छा मौका है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि सारे जो पुराने प्लेयर एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक माहौल अच्छे से बनता है, जो पहली पिछली यादें थी वो ताज़ा हो जाती है, तो बस यही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पुराने प्लेयर्स की आपने बात की, किस किस से टच में हैं जो आपके साथ खेला करते थे? नहीं, सभी टच में हैं, जितने भी प्लेयर हैं सभी साथ में खेले हैं, एक दो है जो नहीं है, बाकी सभी साथ में खेले हैं। भज्जू भाई है, साथ में खेले हैं, मेरे से तो बहुत सीनियर है, लेकिन मैं उनकी कंपनी बड़ा इन्जॉय करता हूँ। गौती भाई हैं, रैना हैं, बहुत सारे हैं, जब सभी साथ में खेले हुए हैं, कुछ सीनियर हैं कुछ साथ के प्लेयर हैं, तो मज़ा आता है। कुछ अभी भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि आज मैच हुआ इससे सीखने को मिला, पहले जो मैच हुए टाइट मैच हुए उनसे सीखने को मिला, भले ही ना खेल रहे हो लेकिन एक वो रहती है मन में, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे तो फिर आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब बता सकते हैं ऐसा। अच्छा, आपने गौती भाई का जिक्र किया, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पूछूँ, कल कुछ हुआ था ग्राउंड पर गौती भाई और श्रीसंत में? पूरा दिन सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये चलता रहता है यार, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ग्राउंड की बात थी, ग्राउंड पे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये ठीक है, जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा और हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आ जाए मुझ पर, आपकी भी गुस्सा बड़ा फेमस है आपका भी, कभी ग्राउंड पे कोई याद आता है कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं, गर्मा गर्मी तो ग्राउंड पे हो जाती है, लेकिन उसको ऐसा दिल में लगा के नहीं बैठना चाहिए, ग्राउंड पे जो हो गया, बीत गया, बाहर तो सब एक से ही हैं, ग्राउंड पे तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं है, मतलब ऐसे दिल में लगा के नहीं बैठना चाहिए कि ग्राउंड पे ये हो गया, वो हो गया, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता, वो चलाते हैं ये लोग, मैं तो कौन लोग हैं, मैं तो बहुत दूर हूँ यार इन सब चीज़ें, ये बच्चे लोग ये कर रहे हैं, करते रहते, मुझे चलानी नहीं आता, वो फोटो डालनी नहीं आती, क्या है। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस जो अभी कल हुआ उसको लेके चल रहा है कि ये जो है ना ये क्रिकेट होता है, आजकल के बच्चे तो बस गले मिलते रहते हैं, इधर उधर मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, ये होना नहीं चाहिए, देखो अब 20-20 साल की यारी दोस्ती है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जब ऐसे दोनों आपस में ऐसा हुआ है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब साथ में खेले हैं, सब हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो कुछ रहा हो, सुनाई कुछ दे गया, तो ये सब होता रहता है, इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो ग्राउंड में हो गया बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फाइनल के लिए क्या तैयारी होगी अब? फाइनल की कुछ स्पेशल प्लान होगा? फाइनल की अब कल सोचेंगे, कल मीटिंग में सोचेंगे, उसके बाद ग्राउंड पर उतर जाएंगे बस। अच्छा ठीक है, अभी से खत्म करूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए, आप स्टूडियो कब आ रहे हैं हमारे फिल्म सिटी? स्टूडियो जब आप बुलाएंगे जब आ जाएंगे, मेरठ से पास में है नोएडा, 40-45 किलोमीटर, तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये प्रवीण कुमार जी हमारे साथ थे और जल्दी ही स्टूडियो में आएंगे, वादा कर चुके हैं। मैं सूरज हूँ, लेजेंड्स लीग की कवरेज जारी है, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।